हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डीआईवाई वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तीन किचन डीआईवाईस, जिसे हमने किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करके बनाया है, किचन ऑर्गेनाइजेशन और वॉल डेकोर डीआईवाईस। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डीआईवाई के लिए हमने जो ये पिकल ग्लास जार आते हैं उसे लिया है, और इसमें मैं कुछ इस तरह से मास्किंग टेप लगा रही हूँ। और अब हमें इसे पेंट कर लेना है। आपके पास जो भी पेंट हो, स्प्रे पेंट या नॉर्मल पेंट, आप उससे पेंट कर सकते हैं। और जब पेंट एक बार ड्राई हो जाए तो हम इस टेप को निकाल लेंगे, और सेम वे में हम दूसरा जार भी रेडी कर लेंगे। और नेक्स्ट मैं, क्योंकि इसे टी एंड शुगर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्कर की हेल्प से इसमें लिख रही हूँ। Just to enhance its look, this step is totally optional. You can skip it. And that's it. तो इस तरीके से हमारा DIY recycle no cost sugar and tea jar ready है। And I hope आपको ये quick and easy DIY idea पसंद आया होगा। और अगर आपके पास भी इस तरीके के jar पड़े हों तो आप भी अपने choice के according paint करके उसे use कर सकते हैं। तो चलते हैं next DIY की तरफ। उसके लिए हमने इस तरह के जो फूड और मिठाई के टीन जार आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम सबसे पहले वाइट कलर से पेंट कर लेंगे। और इसमें हम डेकोपाज करने वाले हैं, तो जो पेपर हम स्टिक करेंगे उसका बेस लाइट येलो कलर का है, तो इसलिए हम इसमें नेक्स्ट कोट लाइट येलो कलर का अप्लाई कर लेंगे। और अब हमें पेपर को इस तरीके से कट कर लेना है। वैसे तो डेकोपास के लिए डेकोपास नैपकिन आती है, लेकिन आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल होगी, रैपिंग पेपर या कोई भी प्रिंटेड पेपर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसके ऊपर लगाना है मॉड पॉज ग्लू, और इसके ऊपर पेपर को स्टिक कर लें। और अब इसके ऊपर हम मॉड पॉज ग्लू का 1 से 2 कोट अप्लाई कर लेंगे। और बस ग्लू को ड्राई होने दें, और सेम वे में दूसरा वाला भी रेडी कर लें। और बस इस तरीके से हमारा सेकेंड DIY भी रेडी है। मैं इसको स्पून्स रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आई टोटली लव इट। आज के सारे DIYs में ये मेरा फेवरेट है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए हमने जो इस तरह के कॉर्नफ्लेक्स और म्यूजली के बॉक्सेस होते हैं उसको यूज किया है। तो सबसे पहले जो इसके ओपन पार्ट्स हैं उसको टेप की हेल्प से सील कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे वाइट कलर से कलर कर लेना है। बेसिकली हम इन बॉक्सेस को एज अ कैनवस यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास सेम ऐसे बॉक्सेस नहीं हैं तो आप किसी भी तरह के बॉक्स या फिर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इस DIY के लिए। तो अच्छे से वाइट कलर का 2 कोट अप्लाई कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से वाइट कलर से कवर हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर कुछ अपने किचन रिलेटेड फेवरेट कोट्स और स्लोगन लिख लेंगे। पहले मैंने पेंसिल से लिखा है, और बाद में हम इसको ब्लैक कलर से ओवरलैप कर लेंगे। और अगर आपको ब्रश से लिखने में डिफ़िकल्टीज आती है तो आप ब्लैक परमानेंट मार्कर से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और साइड्स पे हम कुछ और भी किचन रिलेटेड डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो पेंसिल के मार्क्स थे उसे इरेज कर लें, एंड दैट्स इट। ये हमारा एक प्यारा सा किचन वॉल डेकोर रेडी है। तो इसी तरीके से मैंने 2 और बना लिए हैं, और बस अब इसे वॉल पे हैंग कर लें। इसको हैंग करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। पहले मास्किंग टेप को वॉल पे चिपका लें, और उसके ऊपर हॉट ग्लू लगा दें, और बस इसे स्टिक कर दें। तो इस तरीके से आपका वॉल ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, ये ईजिली हैंग हो जाता है।
सो आई होप आपको ये प्यारा सा यूनिक किचन वॉल डेकोर DIY आइडिया पसंद आया होगा, और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको तीनों DIYs में से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया वो भी कमेंट करके बताएं, आई वुड लव टू नो। और बस आप इसमें से कुछ ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें, मेरा इंस्टा हैंडल है chamizdiydecor, मैं इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई DIY आइडिया के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो।